नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से यूपी की बड़ी भूमिका को देखते हुए भाजपा ने पूरे प्रदेश को क्लस्टर में बांटने की रणनीति तय की है। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर्स में बांटा जाएगा और हर एक क्लस्टर की जवाबदेही पार्टी के दिग्गज नेताओं को सौंपी जाएगी। हर क्लस्टर में औसतन 3 से 5 लोकसभा सीटें होंगी और मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री अनिल राजभर बस्ती संत कबीर नगर लोकसभा सीट देखेंगे, जबकि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़, मऊ और बलिया सीट देखेंगे। इसके अलावा दयाशंकर सिंह को अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र मिला है, तो वहीं मंत्री असीम अरुण को हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही उनके जवाबदेही भी तय की गई है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी ने अब सभी 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में बांटने का काम क्या है और इन 20 क्लस्टर्स की जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को दी गई है और उनकी जवाबदेही भी तय होगी। और यूपी को अब बिल्कुल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया है। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। इसी के साथ अनिल राजभर को भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी के दिग्गज नेताओं को, इसके साथ ही सभी 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में बांटने का काम किया गया है। किन किन से नेताओं को कौन कौन से क्लस्टर का जिम्मा सौंपा गया है? इसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने जो पिछले दिनों एक रणनीति तैयार की थी, उसे आज अपनी जमा पहना दिया। उस पत्र और जांच निकल के ये आ रही है कि 80 लोकसभा सीटों को लगभग 3 क्लस्टर में बांटने की कोशिश हुई है, जिसमें कि 3 से 5 लोकसभा सीटें एक क्लस्टर में होने की संभावना जताई जाएगी। जो बड़े लोकसभा क्षेत्र होंगे उनमें 3 होगी और जो छोटे लोकसभा होंगे लगभग उसमें 3 से 5 की सीटें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र तैयार करने की बात कही, वो भी इन क्लस्टरों से आधारित होगा। उनका यह सीधा सा कहना कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, चाहे शिव प्रताप शाही हो, चाहे अनिल राजभर हो, या जो भी इस तरह के बड़े नेता, उन सबों की जो जिम्मेदारियां दी गई है वो गाँव में जा जाके प्रवास करेंगे, ग्रामीण जनता से मिलेंगे और जो सरकार की योजनाएं उन तक जो पहुंच रहे हैं उसके आधार पे वो उनके एक घोषणा पत्र के साथ साथ एक वो जानना चाहेंगे कि जनता चाहती क्या है, उसी के आधार पर वो घोषणा पत्र बनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि बड़ी और अहम जिम्मेदारी हर एक मंत्री को सौंप दी गई है, ऐसे में लगातार जो हारे हुए क्लस्टर्स हैं उनकी जिम्मा किसको सौंपा गया है, क्योंकि हारी हुई सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है। जैसे कि बीजेपी के 7 मोर्चे, बीजेपी ने 7 मोर्चों को इस क्लस्टर में शामिल करने की घोषणा की और आने वाले समय में जैसे आपको बताऊं युवा मोर्चे की जो है कानपुर में बैठक की है, वहीं अनुसूचित जाति मोर्चे की आगरा में बैठक की, वहीं दलित मोर्चे की भी बात हो रही, तो वो आने वाले समय में हर एक मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत एक बैठक की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके आधार से ये तय होगा कि 2080 की जो लोकसभा सीटें हैं, 2024 की जो 80 लोकसभा सीटें, उसमें कहाँ कहाँ बीजेपी कमजोर रही है, उन सभी सीटों को वो पुनः अपने पास रखना चाहेगी। जैसे कि उनका इस बार 400 के पार सीटों का आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा सीटें, तो उसके मद्देनजर इसे बड़ी भूमिका हो गया। दूसरी बात, तो सभी मंत्रियों को ये भी आदेश दिया गया कि 1 से 24 फरवरी तक वो गांव में रहेंगे, जो वहां पे जो भी है वो शस्त्र उनकी योजनाएं उन पे काम करेंगे और वो आम जनता तक सरकार के कार्यों को पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए अजय, लगातार हम ये तो जिक्र कर रहे हैं कि पूरे 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ जवाबदेही भी तय की गई है इन मंत्रियों की। लेकिन इस पूरे प्लान की जो अध्यक्षता है वो किसको सौंपी गई है? इस पूरे प्लान को सफल बनाने की जो एक कमान है वो किस नेता के हाथ में है? आपको बताया कि जैसा कि पिछले दिनों संगठन महामंत्री विनोद तावड़े ने इसकी रूपरेखा रखी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भी उप मुख्यमंत्री और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे वो सभी शामिल है और कहीं ना कहीं इसकी सारी जिम्मेदारी संगठन ने अपने
हाथों में ले रखी, तो इसलिए संगठन नहीं जैसा कि बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि पूरे चुनाव की रूपरेखा वो तैयार करते किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना, किस तरह से काम करना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि जो संगठन के महासचिव विनोद तावड़े, उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की। तो जाहिर सी बात है कि 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से वो टोटल निगरानी विनोद तावड़े के पास रहेगी। जी धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी आज आम आदमी पार्टी के साथ बैठक करने जा रही है। इस मीटिंग में आम आदमी की तरफ से 4 नेता पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी कांग्रेस के साथ मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए सीट शेयरिंग पर ज्यादा फोकस होगा। और बताते चले कि इससे पहले 8 जनवरी को भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो चुकी है और मीटिंग में कांग्रेस और आप दोनों ने अपनी अपनी मांगों और प्रस्तावों संबंधित दस्तावेज साझा किए हैं और सूत्रों के मुताबिक बैठक सकारात्मक मानी गई थी। दोनों पार्टियों ने उन रणनीतियों और सीटों की संख्या के बारे में चर्चा की थी जिन पर दोनों पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आमिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने का इरादा लिए और लोकतंत्र को बचाने का इरादा लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके अभी भी राड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच आज बड़ी और अहम खबर पूरे दिन भर की ये रहेगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में कौन कौन शिरकत करेगा आमिर? गठबंधन की जो आप पार्टी के साथ जो आज दिल्ली में बैठक होनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में जो लोकसभा की जो सीटें हैं लगभग 58 सीटें हैं, इनको लेकर जो है आज कांग्रेस के साथ जो है चर्चा होगी कि जो है आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से उसमें शेयरिंग की जाए। हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं उसमें जो है बीजेपी में पिछली बार जो है विजयी रही थी लगभग 7 सीटों पे, 5 सीटों पे जो है कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 2 सीटें जो थी उसमें आम आदमी पार्टी सीटें सेकंड नंबर पे रही थी। तो ये जो 5 राज्यों की लेकर जो आज बैठक हो रही है बहुत ही अहम मानी जा रही है। तो इसमें जो है मेन रूप से जो है सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में जो है लगभग जो एक फार्मूला तय हुआ है, जो पार्टी जो है दूसरे नंबर पे रही थी उसको वो सीट देने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि ये सब बातें सूत्रों के हवाले से हैं, आज बैठक होना है तो उसमें क्या तय होगा अब ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखिए आमिर, लगातार इंडिया गठबंधन की जब से पहली बैठक की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार रार की खबरें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलती है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाना कितनी बड़ी चुनौती है गठबंधन के लिए? ये देखिए, जब पार्टियां होती हैं उनके बीच में मतभेद भी होते हैं, लेकिन अब क्योंकि अलायंस में शामिल हो गई हैं, कई दल शामिल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी भी जुड़ी हुई है, तो मतभेद भी होंगे और दोनों के बीच में जो है सकारात्मक बातें भी होती हैं। जब बैठक से निकलते हैं तो लोग जो नेता हैं बताते हैं कि सकारात्मक बातें हुई, लेकिन जब जमीनी स्तर पे देखा जाता है तो वहाँ पे कुछ मतभेद भी देखने को मिलते हैं। तो जब गठबंधन होता है तो ये तो हर पार्टी के बीच में सब चीजें देखने को मिलती है। बिल्कुल, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी अब अंतिम दौर पर है, जहां 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर के उद्घाटन की बेला में राम भक्त अपनी भागीदारी के लिए आतुर है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए संघ के 5,000 कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाए इंतजार करते नजर आए हैं। इसके अलावा अयोध्या में कई देशों और प्रदेशों के लिए अतिथि गृह बनाई गई है जिसके लिए नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने सरकार से जमीन की मांग की है।
वहीं चंडीगढ़ समेत 13 राज्यों ने भी अपने अतिथि गृह के निर्माण की इच्छा जताई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या की नई टाउनशिप परियोजना में इन्हें 5-5 एकड़ भूखंड आवंटित किए जाएंगे। गुजरात को भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, तो श्रीलंका, दक्षिण कोरिया ने जमीन की मांग की है। इसके साथ ही हर एक प्रदेशों ने भी मांग की है कि वो अपने अपने प्रदेश के अतिथि गृह का निर्माण करना चाहते हैं। फिलहाल जो करंट अपडेट सामने आई है वो ये है कि गुजरात को भूखंड आवंटित करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अयोध्या से ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, महज 11 दिन का समय और शेष है, अयोध्या किस तरीके से तैयार हो रही है? जी, अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है प्रभु श्याम जी के हब कार्यक्रम को लेकर और लोगों के आगमन को लेकर। तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों पर चल रही हैं और जो यहाँ के अधिकारी दिनों रात काम कर रहे हैं वो अपने दफ्तर को छोड़कर पूरी अयोध्या को चमकाने में लगे हुए दिनों रात काम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे कार्य की, लोगों में उत्साह देखने को खासा मिल रहा है और क्योंकि 22 जनवरी का 11 दिन बाद आने वाली है वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन के हो गया है, उनका शिलान्यास जो उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होना है। देखिए शक्ति, 5000 रामदूत भी अयोध्या की सीमा पर तैनात किए जाएंगे जो अतिथियों का स्वागत करेंगे, क्या इस मामले को लेके कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आई है अभी तक? अभी तो इस मामले को लेकर जानकारी ज्यादा तक नहीं मिली है, लेकिन सुनने में ये आया है गुप्त सूत्रों के हवाले से, खबर ये है कि जो रामदूत तैनात किए जाएंगे सीमा बल पर, कि लोगों का बीजेपी के द्वारा जो एक बड़ा एक्शन लिया गया है, उनका जो एक मास्टर प्लान, बड़ा प्लान है अयोध्या को लेकर के, जो 2024 के चुनाव को लेकर के जो बड़ा प्लान तैयार किया उसमें ये शामिल रहेगा। अपने पदाधिकारी को खड़ा करेंगे वो रामदूत बना के, जो लोगों का स्वागत करेंगे अयोध्या में आने के लिए। बिल्कुल, देखिए शक्ति, लगातार जो तमाम देश है वो भी इजाजत मांग रहे हैं कि उन्हें भी अपना अतिथि गृह का निर्माण करना है, इसको लेके क्या जिला प्रशासन की तरफ से अपडेट मिल पा रही है? जी, जयवीर सिंह जो है पर्यटन मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि नेदरलैंड है और थाईलैंड है और श्रीलंका है, ऐसे कई देश हैं जो जमीन की मांग कर रहे हैं वो अपने अतिथि गृह बनाने के लिए, और जो राज्य के 32 ऐसे राज्य हैं जो मांग कर रहे हैं अयोध्या में जमीन को लेकर के, कि उनको जमीन दी जाए वो अपना अतिथि गृह बनाएंगे, क्योंकि लोग बाहर से आएंगे तो उनको रुकने के लिए उनके अतिथि गृह में ज्यादा उनको सुगमता मिलेगी। उसके लिए कार्य ये किया जा रहा है कि यहाँ पे 5-5 एकड़ जमीन आवंटित करने का जो फैसला आया है कि लोगों को दिया जाएगा, सारे राज्यों को 5-5 एकड़ जमीन जो है वो लोगों को दी जाएगी। देखिए शक्ति, लगातार मौसम का मिजाज यूपी में बदल रहा है, कड़कड़ाती ठंड लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है, लेकिन क्या ये ठंड राम भक्तों के हौसले में कहीं से कोई कमी लाती हुई नजर आई है क्या? नहीं नहीं, राम भक्तों के हौसले की अगर हम बात करें तो यहाँ अयोध्या में और नदी का किनारा है तो वहां पर धूप ज्यादा रहती है अयोध्या में, लेकिन उसके बावजूद लोग दिनों रात काम कर रहे हैं ठंड को भूल कर, प्रभु श्री राम जी के राममय होकर के, सबको बस सिर्फ ये इंतजार है कि 22 जनवरी से पहले कितना भव्य अयोध्या को भव्य दिव्य और नव्य कर दिया जाए अयोध्या में। कहीं से कुछ सामान आ रहे हैं, अभी 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंच गई है, घंटे अयोध्या पहुंच गए हैं, प्रभु श्याम जी के मंदिर में लगने वाले जो घंटे हैं वो पहुंच गए हैं, और कहीं से खाना आ रहा है, कहीं से चावल आ रहे हैं, कहीं से मसाले आ रहे हैं, तो इस तरीके से अयोध्या में लोगों का आगमन और लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या तैयार है 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के, कि इस तरीके से प्रभु श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो कितना भव्य किया जाए। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से पुख्ता और मुस्तैद करने की तैयारी है? सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है, और यहाँ पे बाहर से भी पुलिस बल और क्या नाम है खुफिया विभाग के अधिकारी जितने हैं सब लगे हुए हैं, बाहर से भी सेना आ रही है अयोध्या को सील करने के लिए। एक तरह से पूरी अयोध्या 22 जनवरी को सील रहेगा क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जिस तरीके से लोगों का धमकी मिल रही है अयोध्या को कि माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं
यहाँ पे रह के चीजें बारीकी से देख रहा हूँ कि किस तरीके से जब मीडिया वाले भी अंदर अगर जाते हैं तो उनको भी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है अंदर जाने की, और पूरी चेकिंग के साथ में उनको अंदर जाने दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी को कितने चेकिंग करवानी पड़ती होगी। और सुरक्षा के लिहाज से ये दृष्टि से ये सही भी है कि इस तरीके से चेकिंग की जाए कि पूरे 22 जनवरी का जो है कार्यक्रम वो इतिहास में दर्ज हो जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।